अगर आपको डेटाबेस में डेटा सेव करना है तो आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसका नाम होता है वैम्प सर्वर। वैम्प सर्वर का मतलब होता है विंडोज अपाचे MySQL PHP। सो वैम्प में जाएंगे आप और यहाँ पे आता है आपका phpmyadmin। सो phpmyadmin पे आप क्लिक करेंगे। करेंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो खुल के आ जाएगी। इसमें लिखा हुआ है लोकल होस्ट phpmyadmin। phpmyadmin मतलब मेरा एडमिनिस्ट्रेटर। ये डेटाबेस नहीं है, ये है जहां से आप सारी चीजों को कंट्रोल करेंगे। जैसे डेटाबेस आप यहां से बना सकते हैं, इवन कि आप यहाँ पे डेटाबेस में डेटा इंसर्ट भी कर सकते हैं। देखिए, डेटाबेस के साथ आप कुछ ऑपरेशंस जो हैं वो लगा सकते हैं, जैसे इंसर्ट कर सकते हैं आप डेटा, उसमें से डेटा को निकाल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसे अपडेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हम चाहते हैं कि हमने एक नया डेटाबेस बनाना है, तो हम जाएंगे डेटाबेस में, तो यहाँ पे आपके सामने आएगा क्रिएट न्यू डेटाबेस। क्रिएट न्यू डेटाबेस, यहाँ पे आप डेटाबेस का नाम दे देंगे। जैसे आपने नाम दे दिया न्यू अंडरस्कोर DB, ये आपका डेटाबेस का नाम आ गया। फिर आप इसे करेंगे क्रिएट। सो जो आपका नया डेटाबेस है वो यहाँ पे आपका बन चुका है, ठीक है सर। उसके बाद जब आपने इस पर क्लिक किया तो उसने आपको ऑप्शन दिया क्रिएट टेबल। इसका मतलब हम एक डेटाबेस के अंदर टेबल भी बना सकते हैं और जितने चाहें उतने टेबल्स बना सकते हैं। तो टेबल का नाम दे दिया मैंने न्यू अंडरस्कोर TB और यहाँ पे दिए नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब टेबल में आप कितनी कॉलम चाहते हैं, जिन्हें हम फील्ड्स कहते हैं वो। सबसे पहला आता है आपका एक के लिए, दूसरे के लिए और तीसरे के लिए। तो ये इट डिपेंड्स, ये आपकी मर्जी है कि आप क्या नाम देना चाहते हैं। जैसे आपने कहा नेम,
आपने कहा रोल नंबर, फिर आपने कहा फीस, तो नेम जो है उसकी टाइप आप रखेंगे, जैसे सपोज वेरकैर, रोल नंबर की टाइप आप रखेंगे इंट, सपोज फीस की टाइप रखेंगे वेरकैर। ये वेरकैर क्या है? वेरकैर के ऐसी टाइप है जो किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर लेती है। यहाँ पे आप उसकी लेंथ देंगे कि कितना लंबा आपका नाम हो सकता है, तो आपने कम से कम 20 दे दिया, 20 कैरेक्टर्स का। यहाँ पे भी आप दे देंगे कि कितने लंबा उसका रोल नंबर हो सकता है, तो सपोज आपने 10 तक दे दिया, और यहाँ पे फीस जो 9 तक दे दिया। सो उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, अभी ये कुछ नहीं करेंगे आप इनमें से, और आप यहाँ पे ये सारी फील्ड आपने भर दी, नेम, रोल नंबर, फीस, और ये टाइप भर दिया आपने, और इसकी लेंथ भर दी। तो आप उसके बाद उसे सेव करेंगे। अब आप अपने टेबल में जाके देखें तो ये फील्ड्स बन चुकी हैं, नेम, रोल नंबर, फीस। अब आप चाहते हैं कि इनके अंदर आपने डेटा रखना है, तो आप अगर चाहते हैं कि यहीं से ही रखना है एडमिन से ही, तो आप इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाने के बाद यहां पे दिया हुआ है नेम, रोल नंबर, फीस, तो यहां पे आप अपना नाम रख सकते हैं, जैसे रजत, रोल नंबर जैसे लाइक दिस, एंड फीस सपोज दिस, नॉट दिस। ठीक है, अगर आप चाहते हैं एक साथ अपने दो नाम एंटर करने हैं तो आप इग्नोर कर देंगे, नहीं तो अगर आप चाहते हैं एक ही एंटर करना है तो आप गो पे क्लिक कर देंगे। तो मैं चाहता हूं एक साथ दो एंटर करने हैं, विजय, ये विजय का रोल नंबर और ये विजय की फीस, देन गो। चलिए अभी आप अपने टेबल में जाके देखें तो वो डेटा वहां पे आ चुका है। अब आप चाहते हैं इसको कुछ आपने डिलीट करना है, सो यहां से आप इसको यू कैन डिलीट इट, यहां से ये डेटा आपका एडिट हो जाएगा। अगर आपने कुछ चेंजेस करने हैं इसमें तो एडिट भी हो जाता है। ये देखिए यहां पे आप इसको यू कैन एडिट, तो आप क्या करेंगे, गो, डिलीट करना है तो यहां से ये डिलीट भी हो जाएगा। ये आपका आप देखें यहां पे, तो आपका एक जो था फील्ड, सॉरी जो डेटा था एक रो का, वो डिलीट हो गया। देन उसके बाद आप अगर चाहते हैं कि आपने कुछ जैसे देखना है, स्ट्रक्चर देखना है कि वो टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपके पास क्या क्या है, नेम, रोल नंबर, फीस है, तो अगर आपने कोई फील्ड जो है ड्रॉप करनी है, ड्रॉप मतलब आप चाहते हैं कि फील्ड को डिलीट करना है, तो ये पूरी की पूरी जो फील्ड है नेम, यही आपकी हट जाएगी। चेंज करना चाहते हैं आप तो वो चेंज भी हो जाएगी यहाँ से। आफ्टर दैट देखो, अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई और नई फील्ड भी इंसर्ट करनी है, जैसे आईडी इंसर्ट करनी है आपने, तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि आपने कहाँ पे इंसर्ट करनी है, एट द बिगिनिंग ऑफ द टेबल, आफ्टर किसी फील्ड के बाद, या एट द एंड ऑफ द टेबल। मैंने कहा एट द बिगिनिंग ऑफ द टेबल, तो यहाँ पे एक फील्ड इंसर्ट करनी है, गो, और फील्ड का नाम दे दिया आईडी, और
इसकी लेंथ दे दी हमने सपोज 100, यहाँ तक हम आईडी ले सकते हैं, आईडी जैसे 1, 2, 3, 4। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक ऑटो इंक्रीमेंट होता है एआई, इसको आप ऑन कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो फिर आप सेव कर देंगे। आप चेक करें, एक और फील्ड आ गई है। ओके, तो जब भी आप डेटा को सेव करेंगे, देखिए आप जरा, पहले तो जो इसके अंदर डेटा पहले से पड़ा हुआ है हम उसे भी डिलीट कर देंगे, लाइक दिस। तो ये डेटा आपका डिलीट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं डेटा को इंसर्ट करना है, तो एक आईडी कॉलम भी आता है, उसमें हमने कुछ भी नहीं भरा और यहाँ पे हमने भर दिया, जैसे इस यहाँ पे भर दिया हमने 1 सपोज, और यहाँ पे दे दिया हमने जैसे नाम सुनील, यहाँ पे हमने दे दिया रोल नंबर, यहाँ पे दे दिया हमने, और नाम हमारा था विजय। एक और भरना चाहते हैं आप तो यहाँ पे आईडी आप रहने दें, और यहाँ पे नाम भर देंगे, तो यहाँ पे भर दिया आपने राहुल, और यहाँ पे भर दिया दिस वन, एंड यहाँ पे कोई फीस आपने भर दी, एंड देन गो। आप चेक करेंगे टेबल को तो आप देखें, मैंने सिर्फ 1 भरा था, वो आईडी में वो 2 अपने आप ही आ गया। ये आता है आपका ऑटो इंक्रीमेंट की वजह से। तो ये है कि हम, अगर आप चाहते हैं कि यहीं पे ही एडमिन में ही अगर आपने कोई डेटा इंसर्ट करना है तो आप इस तरह से उसको कर सकते हैं। अगर आपने बाय पीएचपी को यूज करके करना है तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। So,